हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक रूम। सैमसंग की मोस्ट पॉपुलर यूआई वन यूआई में टाइम के साथ बहुत सारे न्यू चेंजेस और न्यू फीचर्स ऐड होते जाते हैं, जिससे यूजर को एक बेटर और पावरफुल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता रहे। और साथ ही सैमसंग अपने फ़ोन्स में रेगुलर न्यू अपडेट्स या फिर वन यूआई का लेटेस्ट वर्जन वन यूआई 2, वन यूआई 2.1 और वन यूआई 2.5 का अपडेट्स प्रोवाइड करते रहता है। यहाँ तक कि सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में वन यूआई 3 का अपडेट्स भी स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही दो फोन्स के बारे में जो बजट फोन्स हैं और उनमें वन यूआई 2.5 का अपडेट मिला है। और वन यूआई 2.5 अपडेट के बाद से काफ़ी बहुत सारे न्यू चेंजेस और फीचर्स भी देखने को मिले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और आपके पास सैमसंग का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बजट फोन्स में वन यूआई 2.5 का अपडेट रिसीव करने वाला फर्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M21, जिसको अभी हाल ही में वन यूआई 2.1 का अपडेट मिला था और अब वन यूआई 2.5 का अपडेट मिल रहा है। M21 में वन यूआई 2.5 के अपडेट की टोटल साइज है 650 MB, काफ़ी बड़ी अपडेट साइज है। अपडेट के बाद कुछ न्यू चेंजेस और फीचर्स भी देखने को मिले हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट के साथ आपको अक्टूबर मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा और उसके बाद सैमसंग कीबोर्ड में काफ़ी और बहुत सारे न्यू चेंजेस और फीचर्स को ऐड किया गया है। जैसे लैंडस्केप में कीबोर्ड को स्प्लिट करके यूज कर सकते हैं और उसके बाद मैसेज ऐप में आपको SOS नाम से एक न्यू फीचर को ऐड किया गया है, जो कि डिसअपीयरिंग मैसेज की तरह कुछ काम करता है। और उसके बाद कैमरा में कुछ न्यू इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं। पिक्चर क्वालिटी और वीडियो के स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है और साथ ही कुछ न्यू फिल्टर्स को ऐड किया गया है। और M21 के बाद वन यूआई 2.5 अपडेट रिसीव करने वाला अंडर 20 के सेगमेंट में दूसरा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M31। सैमसंग गैलेक्सी M31 में भी अपडेट के बाद से आपको सेम वही चेंजेस हुए हैं जो आपको M21 में देखने को मिले हैं। सैमसंग कीबोर्ड के साथ, साथ ही मैसेजिंग ऐप के साथ और वही सेम कैमरा के इंप्रूवमेंट्स आपको M31 में भी देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में भी आपको अक्टूबर मंथ का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। अब देखना यह है कि सैमसंग अपने और कितने स्मार्टफोन्स में वन यूआई 2.5 का अपडेट प्रोवाइड कराता है। वैसे अभी ये अपडेट सैमसंग की ओल्ड ए सीरीज जैसे A50, A50s में देखने को नहीं मिला है, वहीं पर ये अपडेट A51 में रोल आउट हो चुका है। क्या आप भी अपने फ़ोन में वन यूआई 2.5 और वन यूआई 3 के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, जिससे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू सून।